जिसको एक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के नाम से हम लोग जानते थे, जिसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस केस में हम लोगों ने पहले 2 एक्यूज़ पकड़े थे, प्रदीप संतोष रावत और अभिषेक तुपे। ये 2 व्यक्तियों करीब 15-20 दिन पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र से अरेस्ट करवाया था। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते थे, ये लोग, इन लोगों ने फर्जी शेल कंपनियां बना करके उनके माध्यम से अकाउंट खुलवाए हुए थे और लोगों को प्रेरित किया जाता था कि उन अकाउंट में पैसे डालने के लिए। उसमें जैसे जो हमारे जो हमारा विक्टिम झारखंड का था, वो धनबाद का रहने वाला है, उसको जो है ये एक मैरिज वेबसाइट पर जब वो गया तो वहाँ पे किसी लड़की की प्रोफाइल को उसने लाइक किया। वो जो लड़की की प्रोफाइल, वो फेक प्रोफाइल थी, उसका यूज़ इसी तरह के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। उस वेब पेज पर जब ये गया तो उसने, उस लड़की ने उसको मैसेजेस करने शुरू किए और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया और उसको बोला कि तुम अगर इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा का काफ़ी बढ़ोतरी हो सकता है। इसी क्रम में उसने एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट बनाया, बैनो कॉइन डॉट ओ आर जी नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताया कि जो तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और जो क्रिप्टो करेंसी में, उस पर जो रेट बढ़ेगा घटेगा वो इस वेबसाइट पर नज़र आएगा। ये वेबसाइट पूर्ण रूप से फेक वेबसाइट थी और ये लोग क्या करते थे, बंदे से पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फर्जी तरीके से उस वेबसाइट पर दिखाते थे कि इनकी क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ गया है। तो उसको जब वो देखता था तो वो खुश हो जाता था कि मेरा पैसे में बढ़ोतरी हो, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर आगे क्या करते थे, इन लोगों का एक फ्रेंड है जिसका नाम है, जो आज पकड़ा गया है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है जीवन गोपीनाथ गलधर। ये 31 ईयर ओल्ड बंदा है। ये इसका अस्थाई पता, इसका जो टेम्पररी एड्रेस है वो ताइवान का है, वो इस प्रकार से है, Lane 36th floor, room number 6, हंकेलु जीही नांगंग सिटी, ताइपे, ताइवान। तो ये करीब 10 साल पहले ताइवान गया था नौकरी के चक्कर में। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है शायद, जैसा मुझे बताया गया, और वहाँ पे नौकरी करता था। जॉब करने के चक्कर में इसका परिचय कुछ वहाँ पे लोकल चाइनीज लोगों से हुआ, एक चाइनीज लड़की से भी हुआ, जिससे इसने या तो शादी कर ली या उसका रहता है, जो कि इसकी पार्टनर है इस पूरे क्राइम में। तो वो जो चाइनीज बंदा था उसने इसको बोला कि आप जो है, हम एक पूरे देश में, पूरे दुनिया में गेमिंग ऐप्स चलाते हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, इंडिया में जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा आप हमारे को दिलवाइए। देखिए थोड़ा सा इसका आपको वो समझना होगा, जो पूरा टेक्निक समझना होगा, जब किसी आदमी को इन लोग फंसाता है तो उसका पैसा अपने इंडियन अकाउंट में जमा करवाता है। तो इंडियन अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए इन्हें एक फेक अकाउंट चाहिए, अकाउंट खोलने के लिए इन्हें एक फेक कंपनी चाहिए। तो इन्होंने जो कंपनियां बनाई, वो कंपनी के लोगों को हम लोगों ने पकड़ा फर्स्ट फेज में, जिसके 2 नाम मैंने आपको बताए। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के अकाउंट से वो पैसा का पूरे के पूरे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो जब वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस वॉलेट से फिर आगे वो जो चाइनीज बंदा था उसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहा था। तो जहाँ तक तो क्रिप्टो का पहला, जहाँ पे कैश इन हो रहा है वहाँ तक तो हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आगे क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कहाँ जा रहा है वो अभी तक हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। ये जो बंदा पकड़ा गया है, इसके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट्स के एड्रेसेस उपलब्ध हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारे को मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो I4C के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से राजेश जो CEO है, कल इनफैक्ट वो आए भी हुए थे इस मीटिंग में हमारे यहाँ पे, राजेश हैं, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह और ऋषि मेहता, इन 3 अधिकारियों का बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हमारे को मिला है और वो पूरा हमारे को ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है और हमको भी इसकी पूरी चीज़ों की जानकारी अभी नहीं है। तो अभी हम लोगों का फ्यूचर का प्लान ये है कि जिन क्रिप्टो वॉलेट्स में इन लोगों ने लोगों के, गरीब लोगों के या निर्दोष लोगों के या विक्टिम्स के पैसों को जमा किया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्रिप्टो करेंसी को या तो वॉलेट्स को फ्रीज कर देंगे या फिर अपना एक क्रिप्टो अकाउंट क्रिएट करके उस पैसे को अपने अकाउंट में लाकर, सरकारी रूप में लाकर के कोर्ट से आदेश प्राप्त करके हम लोग फ्रीज करके कोर्ट के सामने उसको एक सीजर के रूप में प्रोड्यूस करेंगे, ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने दर्जनों अकाउंट खोले हैं और जो इनकी मोबाइल फ़ोन की प्रारंभिक जांच से हमें लग रहा है कि ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं जहां पर अकाउंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, मतलब कि लोग जो है वो फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे को अभी जो प्रिलिमिनरी आ रहा है।
तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है जिसमें करीब 18 से 20 अकाउंट तो तुरंत नज़र आ रहे हैं उसके मोबाइल फ़ोन में, तो और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजेक्शन नज़र आ रहा है, 75 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा जो ये स्कैम है, और पूरे देश में है ये, मतलब इनके इस स्कैम के विक्टिम मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में मिलेंगे, भारत के हर शहर में मिलेंगे, भारत के हर कोने में मिलेंगे। इट्स ए वेरी वेरी बिग स्कैम, और इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें हमारा जो इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे हैज डन कमेंडेबल जॉब, जो पहले दो ये और डीएसपी नेहा, इन दोनों के मेहनत से ये पूरा केस सक्सेस हुआ है। पांडे जो है ये पहले गया था महाराष्ट्र, और इसने पहले उन दो लड़कों को पकड़ा जो पहले इन्वॉल्व थे, इनको पकड़ने के साथ साथ में इसने उस बिल्डिंग पे विजिट किया जहाँ पर फेक कंपनी बनाई गई थी, और जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ बैंक के लोगों को इन लोगों ने अपने पेरोल पर रखा हुआ है संभवतः, और ये लोग क्या करते हैं एक ही एड्रेस पे दर्जनों कंपनियों शेल कंपनी क्रिएट कर देते हैं, और उस शेल कंपनी को क्रिएट करने के बाद उन कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं, और फिर इस तरह से ये शादी.com या इस पर जीवनसाथी.com इस प्रकार की वेबसाइट्स पे वो फेक प्रोफाइल क्रिएट करवा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। ये पूरा मोडस ऑपरेंडा ये था। अभी जो ये बंदा कैसे पकड़ा गया, इसमें एसपी कार्तिक लोगों को प्रेरित किया जाता था कि उन अकाउंट में पैसे डालने के लिए, उसमें जैसे जो हमारे जो हमारा विक्टिम झारखंड का था, वो धनबाद का रहने वाला। जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि हमारा जो आईफोसी के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से राजेश जो सीईओ है, कल इनफैक्ट वो आए भी हुए थे इस मीटिंग में हमारे यहाँ पे, राजेश है, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह और ऋषि मेहता, इन तीन अधिकारियों का बहुत ही ज्यादा हुआ था इस केस में। हम लोगों ने पहले दो एक्यूज पकड़े थे, प्रतीक संतोष रावत और अभिषेक टूपे, ये दो व्यक्तियों करीब 15-20 दिन पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र से अरेस्ट करवाया था। ये दोनों व्यक्ति क्या करते थे, ये लोग इन लोगों ने फर्जी शेल कंपनियां बना करके किया जहां पर फेक कंपनी बनाई गई थी, और जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ बैंक के लोगों को इन लोगों ने अपने पेरोल पर रखा हुआ है संभवतः, और ये लोग क्या करते हैं एक ही एड्रेस पे रिपोर्ट किए गए पूरे देश भर में। इसको देख कर हम ये अभी नहीं बता सकते कि वो नंबर कहाँ रिपोर्ट हुआ है, लेकिन वेरी शॉर्टली हम लोग वैसा भी डेवलप करेंगे इस नंबर पे। ये भी नजर आए कि नंबर किसने रिपोर्ट किया है, क्योंकि नंबर कहाँ से रिपोर्ट हुआ अभी हमें नहीं पता, अभी हमें सिर्फ डेटा मालूम हो रहा है कि नंबर आ रहा है। तो ये एक तरह से पूरे जो हर पूरे कंट्री में आप देख सकते हैं।